दोस्तों सब लोग कैसे हो। मैं सुजन, तुम लोग इधर #FFSujan गेम आर। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। और मैं माइनक्राफ्ट बहुत दिन पहले खेला था, तो मैं माइनक्राफ्ट को देख लिया अच्छे से, जो कि बहुत चेंजिंग हो गया है। और मैं आज एक नया वर्ल्ड क्रिएट करूँगी, ठीक है। मैं आज से हर रोज़ इस वर्ल्ड पे गेम प्ले करूँगा माइनक्राफ्ट में। तो मैं एक नया वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हूँ और मैं जो भी जानता हूँ वो सब करके तुम लोगों को दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो चलो पहले एक वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो चलो, वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले प्ले पर जाना पड़ता है। और मेरे पास पहले से एक वर्ल्ड है, ठीक है। इसमें ही मैं देखा था उसको कौन कौन चेंजिंग हुआ है। तो वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए न्यू वर्ल्ड पर जाना पड़ता है, उसके बाद क्रिएट न्यू पर, उसके बाद तुम्हारा वर्ल्ड की नेम लगाना पड़ता है, ठीक है। तो मैं मेरा वर्ल्ड का नाम, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम ही रख देता हूँ। और तुम कुछ भी नाम रख सकते हो तुम्हारा वर्ल्ड की। तो मेरा नाम लिख देता हूँ वर्ल्ड की। तो मेरा यूट्यूब का नाम लिख दिया मैं, उसके बाद डन पर कर देते हैं। और इसको सर्वाइव भी रखना है, ठीक है। और इस और ये जो ऊपर की जो सेंड जहाँ पर लिखा है वो तुम हमारे वर्ल्ड के नेम दे नंबर है तो तुम लिख सकते हो उधर। तो मेरा और ये कुछ काम का नहीं, छोड़ो इसको। तुम जब फ्रेंड के साथ खेलोगे, तुम्हारे दोस्त के साथ, तब वो काम आएगा। तो चलो मेरा शेडर लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये शेडर सब जो मुझको अच्छा लगता है, इसलिए इसको लगाया। भाई गलती से हाथ लग गया भाई, सॉरी। तो फिर से लिखते हैं, चलो मेरा वर्ल्ड का नाम जल्दी से लिख लेते हैं। और तुम लोग जानते हो कि माइनक्राफ्ट में जब न्यू अकाउंट क्रिएट करते हो तो तुमको एक कोई भी जगह पर छोड़ देता है, ठीक है, भिखारी करके छोड़ देता है तुमको। तो अब मेरा शेडर लगा लेते हैं। चलो आप क्रिएट पर क्लिक करते हैं। तो चलो स्क्रीन लोडिंग हो रहा है, लोड हो रहा है स्क्रीन। लोड होने में थोड़ा देर हो रही है, लोड हो रहा है। तो लोड हो चुका है हमारा। तो हम लोगों के वर्ल्ड में छोड़ दिया है। और भाई कहाँ पर फेंक दे हम लोगों को। अरे भाई कुछ भी तो नहीं है दूर दूर तक। अरे भाई कुछ नहीं है दूर दूर तक, यहाँ पर कैसे सर्वाइव करूँगा यार। तो जो भी है ढूंढ के देखना पड़ेगा आसपास। तो ऊंची जगह पर जाना पड़ेगा एक। तो इधर तो ऊंची जगह नहीं है, तो यहाँ तो यही जगह ऊंची है। तो चार के देखते हैं। तो इस तरफ कुछ भी नहीं है, ये तो डेजर्ट है। और मुझको एक विलेज दिखा भाई। अरे भाई साइड में विलेज था, मैं क्या भाग रहा हूँ। तो आप लोग भी ऊंची जगह पर चार के देख लेना आसपास। तो ऊंची जगह पर चढ़ के देखने में यही फ़ायदा है। तो जल्दी से उधर चलते हैं। तो लगता है मुझे छोटा सा विलेज है ये। मैं इतने ज़ोर से जा रहा हूँ जो कि मैं मुझको एक खजाना मिल गया है। और उस पहाड़ के डिज़ाइन देखो उसका। अरे विलेज काफ़ी छोटा विलेज है, इससे काम नहीं चलेगा। ये घर है, घर के अंदर देखता हूँ क्या है। भाई कुछ भी नहीं है, खाली घर है। इतना बड़ा घर कुछ भी नहीं है। तो इस विलेज में तो चार ही घर है। तो इस विलेज को, विलेज में तो कुछ नहीं है, इस विलेज से काम नहीं चलेगा। और ये बेड मैं उठा लेता हूँ, बाद में काम आएगा। रात में जब काम करूँगा मैं बाहर, तो मैं इसको बिठा के सो जाऊंगा। इस घर में देखते हैं, इस घर में कुछ नहीं है।
तो उधर साइड जाते हैं, एक विलेजर गया गया तो एक घंटिया झूल रहे हैं, और एक आयरन गुलाम गुलाम भी हैं इधर, इसको हम लोग को मार देंगे बाद में, फिर भी स्पॉन हो जाएगा। तो इस घर के भाई, इस घर के दरवाजा किधर है, इस तरफ। तो इस घर में एक चेस्ट है, खोल के देखता हूँ भाई, ब्रेड है, ब्रेड पटाटो ट्री ट्री बोलते हैं क्या, सैपलिंग बोलते हैं इसको, दो सैपलिंग है और दो डायम गोल्ड नगेट। भाई गेम के पहले ही डायमंड का नाम लिया, डायमंड तो मिलेगा नहीं अभी, तो ब्रेड काफ़ी ज़रूरी चीज़ है अभी खाने के लिए। तो इस घर से चलते हैं, तो इस घर के ऊपर चढ़ के देखते हैं आसपास और कोई कुछ है कि नहीं। ऊपर चलते हैं, इधर चढ़ के देखते हैं, तो आसपास तो कुछ नहीं है। मैं तो कुछ नहीं देख रहा है मेरे को, तो मैं थोड़ी देर बाद मिलता हूँ आप लोगों के साथ, यहाँ पर आसपास ढूंढ लेता हूँ पहले क्या क्या है, ठीक है, उसके बाद मिलता हूँ। तो मैं फिर से उसी जगह पर आ गया। मैं इस जगह को मैं ढूंढ के देखा भाई, सच में भाई बहुत बहुत ही अच्छा जगह है, तो मैं जाके बताता हूँ तुम लोगों को। मैं पहले उस पानी में जम करके देखता हूँ, जाती है क्या वो भाई, नहीं जाता है। तो जल्दी से ले चलते हैं उधर, तो मेरे को चिकन को मारना पड़ेगा, तो मेरे को खाना भी तो चाहिए नहीं है ना, नहीं तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। तो रास्ते में कोई भी दिख जाएगा तो उसको मार दूंगा, ठीक है। मैं तो जल्दी से चलते हैं, तो उधर एक बहुत खुली जगह है, वो भी एक अच्छा जगह है, और चारों तरफ विलेज है भाई, क्या बताऊँ भाई, चारों तरफ विलेज है। और उसको उस साइड में क्या बोलते हैं भाई, जो रेड करते हैं आप, क्या बोलते हैं उसको भाई, हाँ भाई, विलेजर टावर भी है एक उधर, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस वर्ल्ड के लिए मैं क्या क्या भाग रहा था, मैं इतना अच्छा वर्ल्ड है मैं नहीं जानता था, और तुम लोग एक गलती कर देते हो, जो कि एक नया वर्ल्ड क्रिएट करने के बाद पहले हुड को तोड़ते हो पेड़ से, ठीक है, वो नहीं करना है। तो चार ब्लॉक डिग करके नीचे स्टोन मिल जाएगा, ठीक है, तो स्टोन को तोड़ लेना हाथों से। तो मुझको आयरन मिल गया है, आयरन मिलेगा मुझको, किस्मत ही खुल गया मेरा। अरे भाई आयरन किधर गया भाई, आयरन नहीं मिला मुझको। अरे भाई मेरे तो चौपट बन गया भाई, मैं तो हाथों से आयरन नहीं मिलता है, तो स्टोन मिलेगा शायद। अरे भाई नहीं भाई, स्टोन भी नहीं मिल रहा है भाई, सॉरी भाई, मैं गलती से बोल दिया भाई। उस जगह पर चलते हैं, ये जगह बहुत ही अच्छा जगह है भाई, क्या बताऊँ भाई। इस वर्ल्ड के लिए मैं क्या क्या कह रहा था, जो कि दूर दूर तक कुछ नहीं है। तो पहले मैं ये पेड़ को तोड़ लेता हूँ, मुझको एक क्राफ्टिंग टेबल, पिकेक्स, स्वॉर्ड, अरे सब कुछ बनाना पड़ेगा मुझको। तो माइनक्राफ्ट के पहले हुड ही पहले तोड़ना पड़ता है, पूरे ट्री को खाली कर देता हूँ। देखो पेड़ पेड़ की पत्तियाँ हवा में लटक रही है, ये थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। तो पहले मैं इस हुड को कन्वर्ट कर लेता हूँ, जल्दी से कर लेता हूँ भाई, सब कुछ मैं भूल चुका हूँ कैसे करते हैं, इसलिए देर हुई है। ये रहा क्राफ्टिंग टेबल,
इसका बहुत ज़रूरी है, इस गेम में यही मेन चीज़ है, इससे ही सब कुछ बन पाएगा। तो उस साइड एक विलेजर देख सकते हो, वो रहा, वो बहुत बड़ा विलेजर, क्या बताऊँ भाई, मिनिमम उसमें 16 से 20 घर है उधर, बहुत ही बड़ा विलेज है वो। मेरा तो किस्मत ही खुल गया है भाई। और 10 में से 1 ही आदमी को इस तरह के वर्ल्ड मिलती है, ठीक है, और वो 10 में से 1 आदमी वो मैं हूँ, इसीलिए मुझको इस तरह के वर्ल्ड दिया गया है। तो ये जगह देखो भाई, पूरे सामने खुले जगह है, चारों साइड खुले जगह है, खाली एक दो ट्री है। तो इस जगह को पूरा साफ करना पड़ेगा, फ्लैट फ्लैट करना पड़ेगा इस जगह को। तो शाम हो रही है, इधर ही मैं मेरा बेड रख देता हूँ, सोना पड़ेगा नहीं तो जॉम्बी आ जाएगा। पहले सो जाता हूँ, सुबह काम करेंगे। तो सुबह हो गई, तो इस जगह को मैं इसी हाइट पर मैं करूँगा, मैं पूरे जगह को इसी हाइट में रखूँगा, इस हाइट में फ्लैट करूँगा मैं पूरे जगह को। तो पहले मैं एक मेरा क्राफ्टिंग टेबल और ब्रेड लेकर उस मिडिल पे चलते हैं, नहीं तो ये साइड में हो रहा है थोड़ा। मेरा बेड स्ट्री के सामने रख देता हूँ। और इधर तो हनी भी है, मधुमक्खियाँ, वो देखो उड़ रहे हैं, वो लोग दो दिख रहे हैं मुझे। इधर फ्लावर्स है बहुत सारे, इसलिए है। तो इस भाई कैसे हथियार बनाते हैं, तलवार, पिकेक्स कैसे बनाते हैं। तो मैं स्ट्री को तोड़ देता हूँ, स्ट्री की मैं मुझको हुड की ज़रूरत है बहुत। मैं पूरा तोड़ लेता हूँ इस ट्री को, तो भाई पूरा तोड़ लिया इसको। तो भाई गेम के पहले हुड ही सबसे ज़रूरी चीज़ है, तो स्वॉर्ड बनाने के लिए ये बनाना पड़ेगा, क्या कहते हैं भाई इसको, भूल चुका हूँ मैं, देखना पड़ेगा, लिख के आ रहा है, देख लेना, स्टिक स्टिक बोलता है उसको भाई। बटन लीक हो गया मेरे से यार। तो स्वॉर्ड आ रहे, स्वॉर्ड सब कुछ बना लेता हूँ मैं। और एक पिकेक्स बनाना पड़ेगा, ये शवल और पिकेक्स बाद में बनाऊंगा, चलो भाई अभी तो हुड नहीं है मेरे पास, थोड़ी सी है लगती है मुझे, हो जाएगा पिकेक्स हो जाएगा लगता है। तो जल्दी से स्वॉर्ड को हाथ में ले लेता हूँ। अभी चिकन तो फेंक दिया मैं, ज़रूरी है फेंकना नहीं चाहिए उसको, स्वॉर्ड को ले लेते हैं। तो मेरे लिए पहले एक घर बनाना पड़ेगा, छोटा सा, कोई कोई सा भी घर, ये डाट का भी हो और स्टोन का भी हो, पहले छोटा सा एक घर बनाना पड़ेगा ही। तो मैं डाट का ही घर बना लेता हूँ, वो ऊंची जगह से डाट तोड़ के ले आता हूँ मैं, ये तीनों तोड़ देता हूँ। ऊंची जगह को मुझको तोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए वहाँ से ही लेके आता हूँ डाट। पहले घर ज़रूरी है बहुत, नहीं तो जॉम्बी आकर रात में मार डालेगा। पहले तो छोटा घर ही होगा, उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे कुछ हो जाएगा, ठीक है, अमीर बंदे हो जाएंगे हम माइनक्राफ्ट के इस वर्ल्ड में।
इतने आमिर होंगे जो कि तुम सोच भी नहीं सकते। बहुत कुछ बनाऊंगा भाई, बहुत कुछ। मैं आज से माइनक्राफ्ट की वीडियो ज़्यादा डालूंगा। मैं और भी गेम खेलता हूँ, मैं फ्री फायर भी खेलता हूँ, उसका भी वीडियो मैं डालूंगा, थोड़े थोड़े डालूंगा। माइनक्राफ्ट की ज़्यादा डालूंगा, ठीक है? तो डार्ट मेरे 24 हो गया है मेरा। तो जल्दी से मेरा घर बना लेते हैं पहले, नहीं तो शाम हो जाएगा फिर से। जल्दी से मेरा घर बना लेते हैं। तो अभी देखो भाई, अभी कितना भिखारी है हम, डाट से घर बनाना पड़ रहा है, मिट्टी से। इतना भी हमारा औकात नहीं है जो हम लोग स्टोन से घर बनाए, ठीक है? तो अभी डाट से घर चलाना पड़ेगा। बाद में तो हम दिखा देंगे कितने बड़े घर बना सकते हैं हम। तो अभी इसे काम चलाते हैं। तो दो हाइट रखते हैं, इससे ज़ॉम्बी घुस नहीं सकते हैं, ठीक है? तो हुड से ही काट देते हैं, डार्ट ख़त्म हो गया। तो यहीं से थोड़ा डार्ट तोड़ लेते हैं, बाद में लगा देंगे। इस हाइट में पूरा जगह रखेंगे, इसी हाइट में रखेंगे पूरा जगह। ये पूरी जगह चाहिए मुझे, ये पूरा जगह चाहिए। ये भी छोटा पड़ जाएगा ये जगह, इतना कुछ बनाऊंगा मैं। बहुत कुछ बनाना है, फार्म अरे सब कुछ बनाना है, अनलिमिटेड फार्म बनाना है, सब सब कुछ फार्म बनाना है। मैं तो यश करूँगा, यश करके जीऊँगा मैं इस वर्ल्ड पे। यश चाहिए मुझे, खाऊँगा दाऊँगा और सोऊँगा मैं खाली, ठीक है? सुबह में उठ के मैं सैर पर जाऊंगा, घूम के आऊंगा, आके खा के सो जाऊंगा। यस करूंगा सिर्फ। तो पहले हुड काट लेते हैं, हुड की बहुत ज़रूरत है। ये पत्तियाँ सब नीचे गिर जाएगी, सब सैपलिंग निकलेगी। तो डार्ट भी ज़रूरत है अभी। तो मुझको एक गेट बनाने पड़ेगी, दरवाज़ा, कोई भी दरवाज़ा चलेगा अभी। ये घर की दरवाज़ा ही तो मेन होता है, नहीं तो ज़ॉम्बी तो घुस के आ जाएगा ना। एक दरवाज़ा कैसे बनाते हैं भाई? फिर ऐसे बनाते हैं, पहले हुड को इस तरह कर लेना पड़ेगा। उसके बाद दरवाज़ा करके इस तरह से, मेरे बैग में ले लेता हूँ, बाहर में चल के इस तरह से, इस तरफ से दरवाज़ा को लगा देता हूँ। ये माइनक्राफ्ट की सबसे घटिया दरवाज़ा है ये, तो इसको ही चलाना पड़ेगा अभी। तो और भी दरवाज़ा कर लेते हैं, नहीं पहले क्राफ्ट चेस्ट कर लेते हैं। चेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है, दो रख लेते हैं चेस्ट। वुड को रख देते हैं, एक चेस्ट इधर रखते हैं इधर साइड, और एक नहीं इधर नहीं, और एक इधर साइड रख देते हैं इधर साइड। दोनों में दो तरह की सामान रहेगा, तो इसमें ये रख देता हूँ सब। चिकन तो हमारे पास ही रखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दो दोस्तों। तो दूसरे वीडियो में माइनिंग करने जाऊँगा, ठीक है? और दूसरे वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा, 2 दिन के अंदर। तो दूसरे वीडियो में मिलते हैं, ठीक है?